हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम कुकिंग पर। आज हम बनाएंगे दही वड़ा। दही वड़ा हर किसी को पसंद होता है। आज मैं आपको सॉफ्ट दही वड़ा बनाने की आसान रेसिपी बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। दही वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूंग की दाल, आधी कटोरी उड़द की दाल ली है। इन्हें मैंने अच्छे से धोकर रात भर भिगो दिया था और मैंने इनका पानी छान लिया है। आप चाहे तो सिर्फ उड़द की दाल भी ले सकते हैं। मैंने इन्हें मिक्स करके लिया है। अब हमें इस दाल को पीसना है। मैं यहाँ पर जार में पहले थोड़ी सी दाल डालूंगी। मैं इन्हें दो बार पीसूंगी। आप दाल को पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल ना करें, इन्हें ऐसे ही पीस लें। हमें इनका एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इनको हल्का दरदरा रहने दें, जिससे हमारे वड़े हैं वो हल्के से क्रंची बनेंगे। अब हमें इसे फेंट लेना है। ये देखिए, मैं इस हाथों से ऐसे फेंट रही हूँ। इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हाथों से हमें फेंटना है, एक से दो मिनट के लिए। आप इन्हें ऐसे लगातार चलाते रहें। सेम प्रोसेस हमें एक बार और करना है। इस मिक्सचर को आप जितना फेटेंगे वड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। देखिए, मिक्सचर अच्छे से फूल गया है। चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा मिक्सचर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। एक बर्तन में पानी ले, अब उसमें थोड़ा सा वड़े का मिक्सचर डालें और देखिए वड़े का मिक्सचर जो है वो पानी के ऊपर आ गया है। तो हमारा जो मिक्सचर है वो बड़े बनाने के लिए तैयार है एकदम। अब हमें कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में तेल डालें। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है। आप चाहे तो थोड़ा सा बैटर डालकर चेक कर सकते हैं कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अब हमें इसमें बैटर डालना है। मैं यहाँ पर हाथों से थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर इन्हें ना तले, नहीं तो वड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप वड़ों का साइज छोटा या बड़ा बना सकते हैं और ध्यान रखें कि कम ही वड़े डालें, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे। अब इन्हें पलटते रहें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, इससे वड़े अंदर तक अच्छे से पकेंगे। ये देखिए, हमें ऐसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इन्हें कंटिन्यूसली इस चलाते रहे, नहीं तो वड़े एक साइड से ज्यादा सिक जाएंगे। बड़े फ्राई हो गए हैं, हमें इन्हें इतना ही सेकना है। आप इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें। देखिए, मैं आपको एक वड़ा तोड़कर दिखाती हूँ। जो हमने मिक्सचर को अच्छे से फेंटा था उसकी वजह से हमारे वड़ों में अंदर गांठ नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। अब इन्हें ऐसे गर्म ही पानी में डाल दें। हमने यहाँ पर नॉर्मल पानी लिया है और इन्हें डालकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे वड़े पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तब तक हम बाकी के वड़े भी फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर सर्विंग प्लेट लें, उसमें दही वड़े निकाल लें। मैंने इनको हल्का सा दबाकर इनका पानी निकाल दिया था। अब उसके ऊपर दही, थोड़े से उबले आलू और चटनी डालें। अगर आपको चटनी की रेसिपी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हरी चटनी, उसके बाद मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक, एक चुटकी भुना हुआ जीरा और हल्का सा चाट मसाला।
अब हम वापस यहाँ पर थोड़ी सी दही डालेंगे, लाल चटनी, हरी चटनी, अनारदाना, आप डेकोरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, बीटरूट कटी हुई और बारीक सेब। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।